साहब क्या कहेंगे आज यहाँ पे पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, क्या मुद्दे को लेकर पत्रकार परिषद? देखिए ऐसा है कि आपने पिछले दिनों सुना होगा कि गाजियाबाद पुलिस ने ये मुमरा शहर के ऊपर आरोप लगाया कि यहाँ पे 400 लोगों का धर्मांतरण किया गया है, जो पूरे लीडिंग न्यूज लीडिंग चैनल ने इसको पूरा दिन चलाया। एक कोई आरोपी उन्होंने पकड़ा है, उसने क्या मालूम क्या कोई लैपटॉप से उसने नमाज पढ़ने के लिए कहा, ये कहा, उससे हमको मतलब नहीं है। वो जो करेगा वो अपना करे, है ना, उसके ऊपर जो पुलिस का काम है वो पुलिस करे। लेकिन एक एसपी गाजियाबाद इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि गुजरात के से फ़ोन आया और उसकी तहकीकात ना करते हुए सीधा उन्होंने मुमरा का नाम लगा दिया, तो मेरा अपना यह वो है कि भाई हर चीज़ में मुमरा का ही नाम लगा दिया जाता है, आतंकवादी तो मुमरा। ये तो इस शहर के अंदर 5 लाख 7 लाख की आबादी है जो सुबह काम पे जाती है और शाम में काम से वापस आती है और थक के टूट के सो जाती है। शहर के अंदर खाली 200-250 लोग है जो साइकिलिंग करते हैं 2.5 किलोमीटर में, बाकी सारे लोग काम और रोजगार के लिए जाते हैं। सबसे सेफ्टी जगह है जो किराए के मकान में यहाँ पे रहते हैं लोग, जो किराए का बार बार से परदेशों से आते हैं, दवा का काम करते हैं तमाम सब, वो तीन तीन चार चार एक फ्लैट लेके उसमें 4-6 लोग मिल के रहते हैं, वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं मुंबई के अंदर। इतनी मेहनत कर शहर को बार बार ये इल्ज़ाम लगाना और इतना गैर जिम्मेदाराना, अगर 400 लोग है, हमारा मतलब इससे नहीं कि जिसको पकड़े हैं वो किसका कनेक्शन है, पाकिस्तान का कनेक्शन है या ISI का है, जो उसको जो करना है आप कीजिए, लेकिन शहर मुमरा को आप जिस तरीके से 400 का वो किया इसके लिए आप माफ़ी मांगे। 400 लोगों का धर्मांतरण हुआ तो उनकी लिस्ट जाहिर करें। हमारे यहाँ के DCP साहब ने तो बताया कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो उनको भी बोलना चाहिए, उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए, मांगना चाहिए कि ये जो न्यूज़ थी ये गलत न्यूज़ थी और ऐसा कुछ भी नहीं शहर में। पर्टिकुलर जिस हालत में जिनको पकड़ा उकड़ा उन्होंने, उनसे उनकी जो जांच करना है वो अपना जांच करें, जो उनको सज़ा देना है उसको सज़ा दें, मैं ना। तो ये बार बार ये शहर के लिए किया जाता है, तो इसके लिए हमने एक नोटिस इशू किया है हमारे एडवोकेट जजील साहब के माध्यम से उत्तर प्रदेश के SP, वहाँ के मुख्यमंत्री जी को और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस निपुण अग्रवाल, DCP गाजियाबाद जोन को, ये उसका वो कॉपी है कि इसके ऊपर या तो वो माफ़ी मांगे वरना कोर्ट के लिए तैयार है। तो आपको क्या लगता है इसका कुछ असर निकल कर सामने आएगा? देखिए ऐसा है कि मैं मानता हूँ कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को अब कहीं ना कहीं पारसी बनना पड़ेगा, पारसी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो कोई भी उठ के कल कोई भी उठ के 500 का बयान कोई बोलेगा, 500 लोगों का कन्वर्टेशन होता है। ये शहर अमन पसंद शहर है, यहाँ पे हिंदू रहते हैं, किसी का किसी तरीके से, इतनी बड़ी लिस्ट है लड़कियों की जो क्या नाम है अपना दूसरे धर्म में जा रही हैं, मुस्लिम लड़कियों की, हाँ मुस्लिम लड़कियों, तो हम उनके ऊपर कौन सा गुनाह दाखिल कराए, कौन सी लव जिहाद का वो करे। भाई साहब आप जो लिस्ट दिखा रहे हैं मुस्लिम लड़कियों का बता रहे हैं, दरअसल इसमें मुमरा की ही लड़कियां हैं या और कहीं की लड़कियां हैं? कितनी लड़कियों का लिस्ट आपके पास है, क्या है? देखिए इसमें जो भी है 10-20 लोगों का है मेरे ख्याल से लिस्ट, ये आपको दे देंगे, है ना। हमारा ये बोलने का मतलब ये नहीं है, इशू हमारा ये नहीं है, इशू हमारा ये है कि कब तक ये इल्ज़ाम लगाता रह जाएगा शहर। भाई साहब जो ये लिस्ट है ये स्पेशल मैरिज की ऐसे कोई लिस्ट? ऐसा मैरिज से निकाली गई लिस्ट है, तो जैसा कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का कानून है तो उसके ऊपर उसको बच्चे को वहाँ लेके गए हैं, मैं ना, हम कौन से कानून में जावे कि ये क्या है, हमारे महाराष्ट्र में तो ये है नहीं। और ऐसा 400 तो कन्वर्टेशन यहाँ पे हुआ नहीं है शहर में, इस शहर में क्या पूरे महाराष्ट्र में कभी नहीं हुआ? ये 400 का आंकड़ा जो आप इस तरह से बता रहे थे कि 400 का आंकड़ा कई जगहों पर है, ये जब भी ऐसा कुछ होता है, आपने बताया ये 400 का आंकड़ा पता नहीं क्या इसके साथ में जुगलबंदी है कि यूपी कन्वर्टेशन इन यूपी मारूत है ना 400 है ना, ए राजस्थान का भी आपने बताया, भी बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ।
ये देखिए, ये है कहाँ का, ये राजस्थान, ये राजस्थान का है, ये भी 400 है ना। फिर ये देखिए और 400 तमिलनाडु, ये 400 का आंकड़ा समझ के बाहर है। एक पैटर्न बना दिया गया ये पैटर्न बना दिया गया है 400 का। तो मेरे ख्याल से गाजियाबाद ने भी यही सोचा कि जब 400 का आंकड़ा चलता है तो लाओ 400 का आंकड़ा यहाँ पे भी फिट कर दिया जाए, तो 400 का आंकड़ा यहाँ पे भी वो है। अभी 400 लोगों को अगर धर्मांतरण इस शहर में कराया गया है तो इसका हम सिर्फ और सिर्फ यही एक डिमांड करते हैं कि या तो आप उसको साबित करें, यहाँ के कमिश्नर को, हमारे यहाँ के डीसी साहब को लिस्ट दे दें कि कहाँ पे कन्वर्टेशन हुआ है, किधर रहते वो लोग, और या तो आप माफ़ी मांग लें। शहर पे जो एक लाचन लगा है वो ख़त्म होना चाहिए। यानी ये 400 की फिगर को लेके यूपी, राजस्थान और मुमरा कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही है। तमिलनाडु में भी कहीं ना कहीं ये फिगर को लेके साजिश, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता कि 400 का फिगर क्यों आता है। मतलब अगर मुमरा का भी नाम आया तो 400 आया, तमिलनाडु का तो 400, मतलब जब भी होता है तो 400 रहता है। तो ये क्या भड़काया जाता है कि क्या किया जाता है, या इतना गैर जिम्मेदाराना, एक इतना बड़ा अफसर इतना गैर जिम्मेदारा बयान देते हैं। भाई साहब मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जो आपने जो 400 का आंकड़ा बताया धर्म परिवर्तन का, आज जो पत्रकार परिषद ली गई है, तो ऐसा नहीं लगता है काफी लेट हो चुके आप? ऐसा नहीं, उसके अरेस्ट करने से पहले भी आप एक पत्रकार परिषद रख सकते? नहीं, ऐसा नहीं, उसको अरेस्ट हुआ उसके बाद हमारा बयान अलग था ना, उसके बाद ये कानूनी हमारी चारा, मतलब कानूनी हमने सब ये इसके ऊपर वो किया, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, इसमें आप लोगों को टाइम लगा, इसमें हम लोगों को टाइम लगा। हमारे इन्वेस्टिगेशन सर्चिंग चालू था, हमारा ये था कि देखो बाइट दे देना आसान है, यूपी पुलिस के खिलाफ बात करना बहुत मुश्किल बात है। आज आपको सब मालूम है उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या हाल है, क्या रोल है, जल्दी आदमी कोई बोलता नहीं। हम लोग ने ये सोचा, एडवोकेट जलील साहब आए मेरे पास, कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ हमको अब जो है राइटिंग पे बात करना चाहिए। ये बस हो गया, बाइट दे दिया, मैं दे दिया, बहादुर बन गया, कोई और बहादुर बन गया, नहीं, थोड़ा कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लोगों को एहसास होगा कि नहीं, ये जो कम्युनिटी के ऊपर हम बार बार इस तरीके के, ये कानूनी बात करेंगे, तो जब एक कानूनी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारान इस तरीके के बयान देंगे ना, उनको आगे कहीं ना कहीं रुकावट होगी उनके आगे बढ़ने में, तो उसके बाद फिर ये चीज़ें बंद होगी। भाई साहब बाईपास की दरगाहों के मुद्दे से लेकर ये कन्वर्जन के मसले तक उमरा को कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि मिनी स्ट्रीम मीडिया द्वारा काफ़ी हाईलाइट किया जा रहा है, और इसको अगर महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति से भी हम ले लें तो वो भी इसमें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, कोई राजनीतिक टारगेट है ये उमरा को? देखिए है ना, मैंने क्या बोला आपको पिछले उसमें, मैंने क्या बताया कि जब किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो माइनॉरिटीज़ पॉकेट को ढूंढा जाता है टारगेट बनाने के लिए, और इस वक्त सबसे सॉफ्ट जो टारगेट होता है वो माइनॉरिटी होता है, और ये मुमरा जो है आसान टारगेटेड है। मैंने कहा ना कि पिछली बार जब संगारी साहब को कमिश्नर बनने का तो यहाँ कश्मीरी आतंकवादी पकड़ लिए गए थे, मालूम पड़ा कि जो जिसके यहाँ वो सिप सप्लाई करते थे वही मारवाड़ी भाई जो है वो जाके थाना कोर्ट में उनकी जमानत करा रहा था। तो इस तरीके के हालात होते, जादव साहब को भी नेता बनना था तो मुमरा आ गए, मेरा पालघर जाने के बजाय और कहीं जाने के बजाय थाना में कुछ काम करने के बजाय मुमरा, तो ये आसान आसान टारगेट है। मेरा लोग रिप्लाई नहीं देते हैं, लोग शांत हो जाते हैं, तो कम से कम कानूनी नोटिस वगैरह देना चाहिए, तो कम से कम कुछ तो मालूम पड़ना चाहिए कि नहीं भाई है कुछ लोग जागरूक। भाई साहब अभी आप बोले कानूनी नोटिस उनको भेजा गया है, तो उसका जवाब वगैरह कुछ आया है आप लोग? अभी नहीं, अभी आज भेजा गया है इसके लिए, अब इसका क्या जवाब आता है? हाँ। नहीं आएगा तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे, कानूनी कार्रवाई कर। जितना भी ये प्लान चल रहा है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में, क्यों नहीं एक स्ट्रांग आवाज उठती है सबके साथ मिलकर के, जिससे देखिए इस पे जो है ना बड़ी तंजीमों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरीके का रोज खेल हो चुका है। शहर को बदनाम कर दो, आबादियों को बदनाम कर दो, तो कहीं ना कहीं अब इस पे बड़े लोगों को भी इंटरफेयर करना पड़ेगा। ये रोज़ रोज़ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, रोज़ाना बात करना समझ के बाहर है, और ये जब तक आगे का चुनाव नहीं हो जाता है जब तक ये चलता रहेगा।
भाई साहब अभी आपने बड़ी तंजीमों की बात की, जमीयत-ए-उलमा जमात इस्लामी की खामोशी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए उनको बोलना चाहिए, वो तो हमारे मतलब समझ जाइए सर्वे सर्वा है, उनको तो फौरन इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। बात ये नहीं कि उस क्या नाम है वो लड़का जो था शाहनवाज, वो उसने क्या किया क्या नहीं किया, तो उसके देखना चाहिए कि वो क्या है, सच्चाई है या झूठ है या फेंक है, जो आजकल चलता है एक मरतबा डाल दो जेल में अपना 2 साल के बाद सब भरी छूटते हैं। तो इस पर जमीयत-ए-उलमा तो काम करती है नो डाउट, जमात इस्लामी भी काम करता है, लेकिन पता नहीं क्यों इस मामले में खामोश है, जबकि हमारी बहुत अच्छी जमातें हैं ये काम करती हैं, मेरे समझ में नहीं आता चुप क्यों। राजनीतिक माहौल के हिसाब से धर्मांतर मामले में क्या ये लगता है कि ये एक साजिश या कोई माहौल बनाने की नीति की जा रही है? देखिए कर्नाटक में सारे माहौल बन गए और इनके पास कोई रास्ता नहीं है, ये सरकार के पास, ये इसी तरीके की बात आखिरी तक करते रहेंगे, फसादात पैदा कर किया जाएगा, फसादात होगा, मतलब अभी हर चीज़ में एक मुसलमान एंगल लाया जाता है। ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, देश के 400-500 लोग एक जगह पे मर गए, उसमें भी कहीं ना कहीं से एक मस्जिद ढूंढ के लेके आई गई, तो ये हर एंगल को कहीं ना कहीं माइनॉरिटी से जोड़ने का काम है और इसी को वोट बैंक समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देशवासी जो है हमारे मुल्क का वो होशियार हो चुका है, इतना तो अब जान चुका है कि बीजेपी के लिए मुसलमान वोट बैंक है, मुसलमान माइनॉरिटीज़ के लोगों को बोलो उनके ऊपर कुछ ना कुछ वो करो, हमको वोट मिल जाएगा, लेकिन अब नहीं चलेगा ये देश में कई सारा खेल ये 2024 को लेकर तो 100% मुझे तो ये अब तो हर चीज़ में, चाहे जादव साहब दरगाह ढूंढने आए थे, चाहे जो, मेरे को तो यही दिखता है कि 24 का खेल है, मुमरा का नाम, मुमरा का नाम बदलने के लिए आ गए थे कभी कुछ लोग। उत्तर प्रदेश से जो तार या मुमरा में जोड़े गए हैं, तो क्या इसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी कुछ हो सकता है या आगे के अभी तक? नहीं, महाराष्ट्र देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमारे पुलिस स्टेशन ने या हमारे DCP ने तो बता दिया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हमारे उसमें। अब UP के अंदर तो अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है ना, UP में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर हमने नोटिस दिया है ना तो हो सकता है हमको कोई नोटिस आ जाए, क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता है, हमको नोटिस आ जाए कि आप पता नहीं कौन सी डकैती में थे आइए, तो इस तरीके का हालात है उत्तर प्रदेश के। इसमें काफ़ी अस्सलामुअलैकुम, इसमें काफ़ी दिनों से एक न्यूज़ चल रही थी, क्या एक लड़का है जिसका नाम जो है शाहनवाज करके, उसको तो हम पहचानते नहीं है, अगर उसने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशन चीज़ किया है तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको जो सज़ा मिलती है वो दी जाए। दूसरा ये कि हम शहर में रहते हैं, हम यहीं पर पैदा हुए, तो शहर को बदनाम करने के लिए जो चीज़ें चलाई जा रही थी। तो मेरी सैयद भाई से बात हुई थी, तो भाई साहब ने बताया कि अपने को क्या करना चाहिए, हमने बैठ के डिस्कस किया, डिस्कस करने के बाद में ऐसा है कि इन पर एक लीगल नोटिस दी जाए। तो लीगल नोटिस में मैं मेरे कलीग के साथ में बैठ के जब उसको सर्च करने के बाद में ऐसा पता चला कि मेरठ के अंदर भी एक सेम न्यूज़ ऐसी छपी है, राजस्थान के अंदर भी ऐसी चीज़ छपी है और तमिलनाडु भी, हमारे को फ़िलहाल इतनी चीज़ें मिली है, और कोर्ट के अंदर भी टाइम्स ऑफ इंडिया के पेपर के अंदर ऐसा चीज़ें आई थी कि इनके ऊपर कोई चीज़ों का कोई प्रूफ एविडेंस नहीं मिला है। खैर मिला नहीं मिला वो उनका पार्ट है, लेकिन 400 धर्मांतरण यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम जो रहते हैं ना, हमारे इधर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, तो कोई भी दूसरे बच्चे जो कॉल सेंटर में काम करते हैं और दूसरी जगह पे दीगर जगहों पे काम करते हैं, हम भी एडवोकेट है और कोर्ट में काम करते हैं, तो काफ़ी हमारे से कलीग्स है, तो इसके अंदर से जो होता है ना, तो लोगों के दिमाग के अंदर एक दूसरे के लिए जो है वो गलत व्यू जाता है। माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि इनके साथ मत रहो, इनके साथ मत रहो। तो हमारा ये बोलने का मकसद ये था, नोटिस देने का मकसद ये था कि मुमरा एक ऐसा शहर है जहाँ आज तक के कभी किसी जात पात के ऊपर झगड़ा नहीं हुआ और इंशाल्लाह कभी होगा भी नहीं, क्योंकि हमारी सोच बड़ी अलग है, इसके हिसाब से दिए कि बाकी बच्चे लोग को इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह सैयद भाई के माध्यम से इसको जो है वो ऑन रिकॉर्ड पर लाएंगे कि ऐसा कोई 400 धर्मांतर मुमरा के अंदर कहीं हुआ ही नहीं है। किस किस को नोटिस दिया गया? ये नोटिस जो है
यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ को, कमिश्नर को और डेप्यूटी कमिश्नर को, इन तीन जनों नोटिस में क्या मेंशन किया है? नोटिस में मेंशन ये किया कि आपने जो फॉल्स एलिगेशन 400 का लगाए हो, ठीक है, आप इस चीज़ को प्रूफ करो महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो आप हमारे पे इंजाम लगा रहे कि इतने लोग कन्वर्ट हो रहे, आप अगर सेकेंड वे पे चेक करेंगे तो यहाँ से भी लोग कन्वर्ट हो रहे, हम उसके इशू पे नहीं जा रहे, वो ठीक है जो कन्वर्ट हो रहे वो उनका अलग पार्ट है, लेकिन इसके तो आप इस चीज़ को प्रूफ करो ना, क्योंकि एक शहर है जहाँ तकरीबन 80% जो है वो मुसलमान है, 20% ही है, आप किसी भी जो रनिंग के अंदर न्यूज़ चला लो, किसी हिंदू को नॉन मुस्लिम को आप पकड़े पूछ लो, मैं तो ये हिंदू मुस्लिम करते करते हम तो हिंदुस्तानी है, आप किसी को पूछ लो क्या कभी ऐसा हुआ, क्या हमारे भी दोस्त हैं, हमने कभी इनको नहीं बोला कि तुम मुसलमान बन जाओ, तो ऐसे के अंदर जो है यहाँ शहर का माहौल जो है वो ख़राब होने की बात है। यहाँ पर मुमरा के अंदर पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले भी काम करते हैं, जो छोड़ के चले जाते हैं वो दूसरों की महफिल में आते हैं, 10 बार सैयद भाई के ऑफिस पे आते हैं, क्यों आते हैं तो ये हमारा रिलेशन और हमारी मोहब्बत की वजह से आते हैं। अभी मैंने एक न्यूज़ में देखा, एक ट्रेन के अंदर 20-25 लड़के लोग को जो कुछ जा रहे थे मुसावल पुलिस में, तो ये बाद में उसका फेस सेकेंड फेस बाहर आया तो कुछ और ही निकला, मुसलमान था तो बोले बस न्यूज़ बना दो और केस कर लो, तो मैं चाहता हूँ इसके लिए आगे कोर्ट की कार्रवाई करेंगे। इसके लिए क्या होता है, लोग न्यूज़ पर आके बोलते हैं, ऑन पेपर कोई काम नहीं करते, आपकी दुआओं से, सैयद भाई की दुआओं से अल्लाह ने हमको एडवोकेट बनाया शहर का, तो इस शहर के छोटा सा एक काम करने की ऐसी, हाँ सैयद भाई ने हमारे को बोले तुम करो हम तुम्हारे साथ है, क्योंकि इस चीज़ पे किसी का सपोर्ट भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा उन्होंने बता दिया कि यूपी में क्या चलता है और क्या आता है, तो उन्होंने हमारे को हिम्मत दी, हमने इस चीज़ की जो है उनको नोटिस दिया, आगे जैसा भी रहेगा उसका रिप्लाई करेंगे।